सो हेलो गाइस, आप लोग कैसे? उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे। तो आप लोग जानते हैं कल गणतंत्र दिवस है, यानी 26 जनवरी है। तो मैंने सोचा क्यों अपने कबूतर को तिरंगे कलर रंग दे। बहुत भाई लोग अपने कबूतर को तिरंगे कलर रंगने के सोच रहे हैं, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं भी अपने कबूतर को तिरंगे कलर रंग दे। तो हमारे वीडियो को देखने के लिए आप वीडियो के लास्ट तक जरूर जुड़े रहें। तो गाइस, यही वो कबूतर है जिसे मैं तिरंगे कलर रंगूंगा। मेरे पास व्हाइट कबूतर बहुत सारे हैं, लेकिन मैंने उन लोग का पर काट दिया हूँ, जिस कारण मैं उन लोग को रंग नहीं पाऊंगा। अभी उन लोग का पर आया नहीं है, तो मैंने सोचा क्यों ना मैं इस कबूतर को तिरंगे कलर रंग दूँ। तो गाइस, आप लोग को एक कलर लाना है, ये किसी भी किराने स्टोर पर आप लोग को मिल जाएगा। इसका नाम है स्केच, और आप लोगों को ऐसा कटोरी ले लेना है। फिर उसके बाद आप लोग को ये स्केच को फाड़ लेना है। फाड़ने के बाद आपको कलर निकाल कर इसके ऊपर जो ये ढक्कन है उसे आपको निकाल देना है। उसके बाद इसके अंदर का ये जो ये है इसको आपको इसके ऊपर जो ये पतला सा झिल्ली रहता है इसको आपको निकाल कर फेंक देना है। अब आपका बचा है ये, और इसी से अपने कबूतर को रंगना है, देख लीजिए। तो चलिए हम लोग कबूतर रंगते हैं। और आप लोगों को थोड़ा सा इस कटोरी में पानी ले लेना है, मत बस इतना ही, इससे थोड़ा कम कर लीजिए आप पानी, बस इतना ही आपको पानी लेना है। उसके बाद आपको ये जो है इसमें घोल देना है। आप अच्छे जैसे घोल दीजिए, देख सकते हैं ये कितना अच्छा कलर हो गया है, देख सकते हैं आप। अब इससे ही अपने कबूतर को रंगना है। और आप लोगों को एक और ऐसा ले लेना जिससे कि ये कलर एकदम गाढ़ा हो जाए। निकालने के बाद ये आपको झिल्ली से फेंक देना है, उसके बाद इसको फिर आपको घोल लेना है। देख सकते हैं आप कितना गाढ़ा ये कलर हो चुका है। आप अपने हिसाब से पानी डाल दीजिएगा, आप जितना गाढ़ा रहेगा आपके लिए ही बढ़िया रहेगा, देख सकते हैं ये। तो अब हम लोग जा रहे हैं इस कबूतर को रंगने। इसका नीचे का पर आप लोग को रंगना है, नीचे का पर आराम आराम से। तो गाइस, आप लोग देख सकते हैं मैंने एक और का इसका पर रंग दिया हूँ। अब इसे हम लोग कुछ देर के लिए छोड़ दे रहे हैं ताकि ये सूख जाए। तो आप लोगों को इस कटोरी को धो लेना है, इसको धोकर इसे पानी फेंक देना है, फिर जाके थोड़ा सा पानी ले लेना है, मात्र इतना पानी ले लेना है। उसके बाद सेम वही काम आपको करना है, ऊपर के ढक्कन निकाल कर फेंक देना है, उसके बाद ये निकाल लेना है। ऊपर का ये लेयर जो झिल्ली के उसे निकाल कर आपको फेंक देना है, उसके बाद आपको ये इसमें घोल देना है, देख सकते हैं कलर। इसको भी घोल देना है। ये कलर बिल्कुल एकदम सूख चुका है, आप लोग देख सकते हैं इधर। अब चलिए हम लोग सेम उसी तरह इस पर को भी रंग देते हैं। तो देख सकते हैं ये पर भी हम लोग रंग दिए हैं। अब इसको भी हम लोग सूखने के लिए छोड़ देंगे, उसके बाद हम लोग एक और यहाँ पर रंगेंगे चक्री। तो देख सकते हैं ये भी कलर सूख चुका है। अब हम लोग जा रहे हैं इस कबूतर को अशोक चक्री बनाने यहाँ पर।
तो देख सकते हैं अशोक चक्र थोड़ा खराब बन चुका है, फिर भी अच्छा लग रहा है देखते। या भी जब सूख जाएगा तब मैं आप लोग को उड़ा कर दिखाऊंगा कि उड़ता है तो कितना अच्छा लगता है। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं इसका कलर एकदम सूख गया है और मैं जा रहा हूँ इसको उड़ाने, देखते हैं उड़ता है तो कैसा लगता है। तो गाइस देख सकते हैं उड़ रहा है तो कितना मस्त लग रहा है। तो सो गाइस आप लोग देख रहे हैं हमारा कबूतर उड़ रहा था, कितना बढ़िया लग रहा था, कितना अच्छा लग रहा था। अगर आप लोग को वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो को लाइक कर दीजिए।